चले अभी 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी अभी केवल 23 बच्चे ही जुड़े हैं, प्रीवियस लेक्चर से भी कम। बढ़िया है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का सेशन। लास्ट के लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज सीखा था। क्वांटाइजेशन का अर्थ क्या होता है ये हमने देखा, ठीक है। और जब भी किसी सतह पर इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेशों का आदान प्रदान होता है, तब कैसे वह सतह ऋणावेशित और धनावेशित होती है, ठीक है। अब आज का अगला टॉपिक देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रेरण द्वारा आवेशन या आवेशित करना चार्ज या चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का अर्थ होता है प्रेरित करना। इंडक्शन का अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना। तो उसका अर्थ है कि हम किस प्रकार किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर, हाँ, आवेश को प्रेरित कर सकते हैं, ये हमें जानना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए मैं एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोला बना देता हूँ। ये मेटल का है और उसके नीचे एक और चालक स्टैंड बना देते हैं। ठीक, चलिए। तो आप देख सकते हो कि एक गोला यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है जो विद्युतीय उदासीन है। ओके, एक गोला जो कैसा है? विद्युतीय उदासीन है। अब विद्युतीय उदासीन होने का अर्थ क्या है, ये मैंने आपको सिखाया था। विद्युतीय उदासीन होने का अर्थ ये होता है कि उसके अंदर धनावेश की संख्या तथा ऋणावेश की संख्या जितनी भी है वो क्या है? समान है, ठीक है। धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या क्या है? समान है। लिखते हैं चित्र अनुसार। एक चालक गोला जो क्या है? विद्युतीय उदासीन है। उस पर आवेशों को या आवेश को क्या करना है? हमें प्रेरित करना है। बच्चों सबको दिख रहा है ना मैं जो लिख रहा हूं? हाँ सर ठीक है। अब इस पर मैं आवेश कैसे प्रेरित कर सकता हूं, ये कार्य विधि हमें देखनी है कुल मिला के, ठीक है।
तो मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो मैं इससे जरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि और एक बोले की आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए यहाँ कॉपी रख देते हैं इससे, और एक जरूरत पड़ेगी तो साइड में रख लेते हैं, फिलहाल अभी इसके नीचे रख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखना किस प्रकार ये कार्य हो सकता है। बहुत सारे तरीके से हो सकता है, सामान्य तरीका सीखते हैं पहले। क्या करते हैं हम कि सबसे पहले इसके नजदीक एक कांच की छड़ लेके आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक कांच की छड़ लेके आते हैं इसके नजदीक, जो ऋण आवेशित है या धनावेशित है। चले धनावेशित है, यहां पे ऐसा दिखाते हैं। अब इस कांच की छड़ को कैसे धनावेशित किया जा सकता है, सिल्क के कपड़े के साथ रगड़कर, ये हमें पता है। अब होगा क्या कि यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन है, इस सतह के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बताया था, अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे इस सतह की ओर आकर्षित होके यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऋण आवेश उस जगह पे सम्मिलित एकत्रित हो जाएंगे। तो यहां से मैं मिटा देता हूं, तो गोले के इस विभाग में क्या हुआ, ऋण आवेश एकत्रित हुआ या ज्यादा हो गया, तो उसके दूसरे छोर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि धनावेश ज्यादा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत आसान काम है। यहां से अब मैं इस गोले का कनेक्शन क्या कर दूंगा, ग्राउंड के साथ कर दूंगा इधर, ओके। तो इसे कहते हैं जमीन के साथ संपर्क, अब जमीन सामान्यतया क्या कार्य करती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का दरिया या फिर एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, ऐसा कह सकते हो, तो जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन यहां पे अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, अब हम क्या कर देंगे, इस कनेक्शन को हटा देंगे या फिर मिटा देंगे। चले तो इस कनेक्शन को मैंने अब हटा दिया, ठीक है। और अब इस कांच की छड़ को भी मैं दूर ले जाता हूं, इसे भी हटा देता हूं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इस कांच के गोले पर, सॉरी ये चालक गोले पर क्या हुआ, तो अतिरिक्त क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ या ना। कहाँ से लाए, जमीन से लेकर आए हम। तो अब यहां पे हमने जो कार्य किया तो उसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये हमने यहाँ पे आवेश प्रेरित किया, ऐसा कह सकते हैं। पता चला बच्चों, हाँ या ना। चले उस विधि को हम लिखते हैं, एक धनावेशित कांच की रॉड को या कांच की छड़ को कहां लेके आएंगे, गोले के पास, रखेंगे।
जिसके कारण क्या होगा, गोले के अंदर उपलब्ध इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित होकर उस सतह पर क्या होंगे, एकत्रित होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें, दूसरा स्टेप क्या कहा था हमने कि इस गोले की दूसरी सतह से उसे चालक तार द्वारा जमीन के साथ जोड़ा जाता है। इस विधि को भू संपर्क विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, अतः जमीन से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन गोले पर आ जाते हैं। अब यह भू संपर्क तार हटा दिया जाता है। ठीक है, अब गोले पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण गोला क्या बन जाएगा, ऋणावेशित बन जाता है। गोले पर क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह ऋण आवेशित बन जाता है। चलो आपसे एक सवाल पूछूंगा बच्चों, अगर किसी सतह पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या बनेगा, ऋणावेशित के धनावेशित? और किसी सतह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो कैसा बनेगा, धनावेशित। आपको ये अगर पता है तो अगला उत्तर आपको आसानी से आ जाएगा।
जो मैं पूछने वाला हूं, ठीक है। ये मैंने एक कार्यविधि लिख दी, इस प्रकार आप कोई भी विधि से उसे धनावेशित और ऋणावेशित बना सकते हो। अगली विधियां मैं आपको केवल समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो उसे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का काम। चलिए देखिए, ध्यान से समझना कि यहाँ पे एक गोला है जो उदासीन है, और अब मैं हर बार उदासीन नहीं कहूंगा, क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आवेश नहीं दर्शाया है, उसका मतलब वह विद्युतीय उदासीन है। बहुत सारे तरीकों से इसे हम आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने एक तरीका बताया कि एक धनावेशित या ऋणावेशित गोला, सॉरी रॉड या छड़, उसके नजदीक ले जाएंगे हम, ठीक है, और दूसरी तरफ से केवल आप उसे टच भी कर लोगे आप अपनी उंगलियों से, ठीक है, तो भी आपका शरीर क्या है, विद्युत का सुचालक है, तो आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएंगे या चले जाएंगे, जो भी संभावना होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऋणावेशित गोला लिया, सॉरी छड़ ली है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित होकर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे महत्तम दूरी पर। आपने यहाँ पे छू लिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जमीन में चले जाएंगे, ओके। तो अब ये गोला बन गया आपका धनावेशित, ठीक है, ये यहाँ से हटा लो तो ये गोला बन गया धनावेशित। उससे उल्टा हमने क्या किया था, तो हमने इसका भू संपर्क करवा के बनाया था ये पूरा का पूरा गोला। आगे हमने किया था, ये धनावेशित छड़ ली थी, जिसके कारण क्या हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए थे, ओके, और यहाँ पे धनावेशित इकट्ठा हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। अब आपने इसको संपर्क किया तो इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के अंदर से इसके अंदर चले जाएंगे, और इसे अब हम हटा देंगे तो ये गोला ऋणावेशित बन गया। तो हम गोले को धनावेशित या ऋणावेशित दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक कार्यविधि समझ में आ गई अच्छे से, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए अब दूसरी चीज को समझते हैं। चलिए आप देख सकते हो कि दो गोले हैं हमारे पास, गोला ए और गोला बी, ठीक है, दोनों ही समान है, एक छोटा और एक बड़ा था इसके लिए मैंने दूसरा बना दिया। दोनों ही गोले समान है और दोनों ही विद्युतीय उदासीन है। बहुत ध्यान से समझना, ये समझ में आ गया, यानी कि ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया आपके, बराबर। अब मैं क्या करता हूं, तो मैं एक
कांच की छड़ जो धनावेशित है, ये क्या है? धनावेशित है, यहां पे प्लस कर देता हूं, उसके नजदीक ले आता हूं। चलिए अब इसके कारण क्या होगा ये समझना है। चलिए कौन बताएगा क्या होगा? आप गोले विकिरण और इलेक्ट्रॉन एक सतह पर आकर चिपक जाएंगे दूसरी साइड। चलिए सही है, गोले बी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सतह पर आ जाएंगे आकर्षित बल के कारण। अब ये दोनों ही दोनों गोले एक दूसरे के संपर्क में है, अतः यहाँ पे जो आकर्षी बल महसूस होगा वो यहाँ पर भी होगा। तो गोले ए के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से ए के अंदर आ जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन में अलग कलर से बता देता हूँ जिससे आपको पता चले थोड़ा। ठीक है, तो ए और बी के कई इलेक्ट्रॉन जो आकर्षित बल महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो एक सतह पर जहां पे धनावेशित छड़ है, ठीक है, उसके नजदीक आने की कोशिश करेंगे। अपने आप यहां से निकल के यहां नहीं आ जाएंगे, वो तभी आ सकते हैं जब आप उसको टच करवा दो। ठीक है, आपने उसको टच नहीं करवाया है, यहां पर लिख देंगे हम धनावेशित छड़। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इससे दूसरे वाले गोले को मैं क्या करता हूं, इससे अलग कर देता हूं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, दूसरे वाले गोले को प्रथम गोले से अलग कर दिया। ठीक है, तो अब सवाल ये है आपके लिए कि गोला ए और गोला बी कौन सा आवेशित बनेगा। फिर से एक बार समझा देता हूं, प्रारंभ में दोनों के दोनों गोले संपर्क में थे, ठीक है, दोनों ही विद्युत उदासीन थे। मैंने एक धनावेशित छड़ गोले बी के एकदम नजदीक रखी, छुआ ही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद गोले ए को गोले बी से अलग कर दिया। अब इस छड़ को भी मैं अगर हटा देता हूं यहां से, तो गोला ए और गोले बी पर कौन सा आवेश होगा ये आपको बताना है। गोला बी ऋणावेशित होगा। और गोला भी आवेशित होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, और अगर होगा तो कौन सा आवेशित होगा? गोला है धनावेशित होगा, धनावेशित होगा सर, धनावेशित होगा। चलिए समझ भी लेते हैं कैसे, ये तो साफ हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें अतिरिक्त आ गए तो ये तो ऋणावेशित हो गया, पर गोले ए ने अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, इसके कारण ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार गोले ए को और बी को हमने क्या किया, आवेशित किया, ये कार्यविधि आपको खुद लिखनी है, पता चला? तो तीनों कार्यविधि लिखी है आपने लिखी और दो वो ये वाली, क्या बेटा सर ये तीनों कार्यविधि लिखनी है, एक तो आपने लिख दी और दो आपने बताई हुई वाली, दोनों हमको लिखनी है। ये आपको जो जैसे ये मैंने चित्र बनाया वो आपको लिखनी है, एक मैंने लिख दी है, इतना क्लियर है बराबर। ये मैंने जो लिखी हुई है ये वाली अभी, वो आपको लिखनी है, और ये चित्र जो बनाया वो लिखनी है, दो हो गई टोटल आपके लिए। ठीक है सर, एक पहले बनाई थी इसमें ऋणावेशित किया था, चलेगा, कोई भी एक मेथड अगर आप लिख के समझ लोगे तो इनफ है आपके लिए, बराबर। चलिए इसे हम यूट्यूब पर भी देखते हैं कि कैसे समझाया है।
चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋणावेश छड़ इसके नजदीक लाए हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे धनावेश इकट्ठा हो गया, ऋण से ऋण क्या हो गया, अपकर्षित हो गया। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, इंडक्शन का अर्थ होता है जैसा मैंने बताया प्रेरित करना। अब मैं इस गोले को छू लेता हूं तो मेरे शरीर से, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे, और तार से भी ये काम कर सकते हो, और जैसे ही मैं ये छड़ को हटा लूंगा तो गोले पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ठीक है, अब दो गोलों का प्रयोग है यहाँ पे। ठीक है, गुब्बारा लाया गया है यहाँ पे, आप कोई भी चीज ला सकते हो ऋणावेश, तो होगा क्या कि ऋणावेश से ऋणावेश अपकर्षित होंगे और धनावेश आकर्षित होंगे। ठीक है, और अब मैंने दूसरे गोले को क्या कर दिया, दूर ले गया, तो आप देख सकते हो कि दूसरे वाला गोला क्या बन गया, ऋणावेश बन गया, और प्रथम गोला धनावेश हो गया। तो इस प्रकार बिना छुए हम गोलों को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार अब हम टच करवा देंगे इसे, जहां तक मेरा मानना है, मैंने वीडियो देखा नहीं है, एक धनावेश छड़ जिसके कारण ऋणावेश एक तरफ इकट्ठा हो गया है और दूसरी तरफ, अच्छा आगे जो मैंने विधि बताई वो है, दूसरी तरफ धनावेशित हो गया इकट्ठा, ओके, और जमीन से सारे इलेक्ट्रॉन आ गए और वहां पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये गोला बन गया आपका ऋणावेशित। ठीक है, पता चला बच्चों? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हम गोलों को आवेशित है। आगे बढ़ते हैं सर। हेलो सर, जब हमने अपना हाथ लगाया था गोले से, गोले में, तो एक मिनट, अब बोल सर, जब हमने अपना हाथ लगाया था गोले में तो ऋण आवेश कर गोले के अंदर जा रहे थे ना, वो गोले से बाहर आ रहे थे। हाँ। और जब जमीन से संपर्क कराया तो गोले के अंदर जा रहे थे। हाँ जी, चलिए, तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों, मैं यहाँ फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे ऋण आवेश है, देखिए ध्यान से, अगर मैं मेरी उंगली यहाँ पर लगाता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाएंगे। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है और जमीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, बराबर। और उससे उल्टा, अगर मेरे पास यहाँ धनावेश होते, यहाँ पे धनावेश होते और मैं यहाँ पे जमीन से संपर्क करवाता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते। यानी कि आप अपने शरीर को टच करवा के भी कर सकते हो, परंतु उससे समझना थोड़ा कठिन होता है, इसके लिए हम भू संपर्क तार का प्रयोग करते हैं साधारणतया। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि गोले पर जहाँ से संपर्क करवाया जाता है उस सतह पर कौन सा आवेश है उस प्रकार कार्य होता है। जैसे यहाँ पे मैं जमीन संपर्क करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके इस धनावेश को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर उसी जगह यदि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होते, ठीक है, और उसका मैं भू संपर्क करवाता तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते। दोनों में मैंने क्या करवाया, भू संपर्क ही करवाया, हाथ को टच नहीं किया है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, बराबर। तो कब इलेक्ट्रॉन आएंगे और कब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो पोलारिटी यानी कि उस सतह पर कौन सा आवेश है उस पर निर्भर करता है। पता चला? हाँ सर।
और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर आपने जो अभी समझाया है इसका मतलब अगर गोला धनावेशित होगा मतलब उस सतह पे अगर धनावेशित होगा तो हम भू संपर्क कराएंगे तो जमीन के इलेक्ट्रॉन गोले में चले जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। पता चला? हाँ सर। और मानो ऋणावेशित है तो क्या क्या होगा? तो गोले में से इलेक्ट्रॉन जमीन में चल। बिल्कुल, जैसे ये गोला पूरा ऋणावेशित है, ठीक है, और उसका मैंने भू संपर्क करवाया है, ऐसे ग्राउंड कर दिया इसे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? जमीन में चले जाएंगे। उसके बजाय अगर ये गोला धनावेशित होता और मैं इसका भू संपर्क करवाता तो जमीन से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आकर इन पैर को फुलफिल कर देते। इस प्रकार का कार्य होता है। चलिए, आशा करता हूं कि अब क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर। हाँ बेटा बोल। सर ये गोला पहले से धनावेशित होता, फिर जमीन में से इलेक्ट्रॉन आते तो सर ये उदासीन हो जाता ना? हाँ बिल्कुल, पर पूरे के पूरे गोले पर इतने इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते। देखिए जैसे होता कैसे है, जैसे ये गोला है और मैंने इसे पहले से ही धनावेशित रखता हूं, ये धनावेशित इस पर बिखरा पड़ा है। अब मैंने क्या किया है कि इस सतह से इधर जमीन संपर्क करवा दिया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुए थे यहां पे, यहां पे, और मानो तीन जगह चार जगह आके उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां पे जमीन संपर्क होने के कारण इन धनावेशों में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है, परंतु इस इलेक्ट्रॉन की जितनी क्षमता होती है उतनी क्षमता इस इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है। इसको आसानी से कैसे समझ सकते हो कि मान लो आपके पास दो चुंबक है, ठीक है, और आपने पहले इतनी दूरी पर रखा है और फिर अतिरिक्त दूरी पर रखा है, बराबर, तो इस दूरी पर दोनों को आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम होगी, पर इतनी दूरी पर वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाने पर गोला उदासीन हो जाएगा। मैक्सिमम हो सकते उतने आ जाएंगे, परंतु पूरे गोले पर या पूरे गोले को वो उदासीन कर दे इतनी क्षमता नहीं होती है। नजदीकी इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा, बट पूरे के पूरे गोले पर नहीं हो। हाँ मान लीजिए कि थोड़ा सा ही ऋणावेश चाहिए, 100-150 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए आपको उसे न्यूट्रलाइज या उदासीन करने के लिए, तो उतना हो सकता है, परंतु अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो शायद मुश्किल है। हाँ बेटा। सर अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है लेकर वो पूरे नहीं आते, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी वो धनावेशित ही रहेगा ना, क्योंकि धनावेश का मान ज्यादा था। 100% न्यूट्रलाइज नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी कोई पदार्थ धनावेशित ही रह सकता है। वो मैटर करता है कि पहले से कितना चार्ज था। हमने जो परिभाषा लिखी है कि किसी भी सतह पर इलेक्ट्रॉन आने पर वो ऋणावेशित होता है, पर वो सतह विद्युतीय पहले उदासीन थी, वो हमने पहले ही कह दिया है, और ठीक है विद्युतीय उदासीन है और उसके ऊपर आते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आया ऋणावेशित हो गई, ठीक है। और उससे पहले हमने ये भी कहा था कि सारी जितने भी पदार्थ है उसके अंदर धनावेश की संख्या और ऋणावेश की संख्या समान होती है, उस वजह से सामान्यतया कोई भी पदार्थ क्या होता है? विद्युतीय उदासीन होता है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन आया, एक्स्ट्रा आया, तो वो ऋणावेशित बन गया। इस पे से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो बन गया धनावेशित, ठीक है, पर वो ऑलरेडी पहले से ढेर सारा धनावेशित है, उस पर छोटा सा थोड़े से इलेक्ट्रॉन डाल देने पर आप ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद भी वो तो धनावेशित है। परिभाषा उस प्रकार कभी नहीं दी जाती, परिभाषा हमेशा आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रख कर दी जाती है। आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम पहले कंसेप्ट क्रिएट करते हैं फिर उसके साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप जब साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट
हाथ खुले करके चला सकते हो, हाथ छोड़ के साइकिल नहीं चला सकते। अभी आप सीख रहे हो, आप पैडल मारना सीखोगे, आपका दिमाग उसके साथ सिंक्रोनाइज होगा कि हाँ मुझे बैलेंस भी करना है, हाथों से अपने शरीर को भी संतुलित रखना है, पैडल भी मारने हैं, कहीं एक साइड साइकिल झुक ना जाए, उस तरीके से मुझे संभालना है। ये सब कुछ सीख जाने पर भी आपको पता होगा कि जब हम साइकिल मुड़ाते हैं तब कौन सी ब्रेक नहीं मारनी चाहिए, ये सब सीख जाने के बाद अब अच्छा सा आपको अनुभव हो गया है, उसके बाद आप हाथ खुले करके साइकिल चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, आदर्श परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पहले हम परिभाषा देते हैं, पूरी समझ आ जाने के बाद हम ढेर सारे खेल खेल सकते हैं। चलिए, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं है सर। चलिए देखते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। और मैंने लास्ट में आपको ये भी बोला था कि सब लोग कोशिश करेंगे वो लिखने की, क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्कोप। उसमें से किन्हीं 5-6 विद्यार्थियों ने ही मुझे लिखकर भेजा हुआ है, बाकी के सब अभी हवा खा रहे हैं या फिर पता नहीं कौन से माहौल में जी रहे हैं। साइंस तो ले लिया है, बढ़िया है, और उनको मुझे लगता है यही फिराक में है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे पिछले साल वालों को मास प्रमोशन मिल गया, 11th में हमें मास प्रमोशन मिल गया, वैसे हमें 12th में भी मिल जाएगा, है ना। तो उन लोगों के लिए चेतावनी है कि किसी भी हाल में आपको मास प्रमोशन 12th में नहीं मिलेगा, तब यानी कि इस साल वैक्सीनेशन प्रोसेस इतनी तेज नहीं थी, एक साल बाद 70% वैक्सीनेशन हो जाएगी और आपकी स्कूल भी तब तक चालू हो जाएगी, बराबर। तो आप उतने लकी नहीं हो कि आपको 12th में मास प्रमोशन मिल जाए, सीधी सी बात है। तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में, वरना जो भी अंजाम होगा, अगले साल वालों का गुस्सा आप पे उतरे, सरकार का या बोर्ड का या कुछ भी, तो वो भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बराबर। तो बेहतर यही है आपके लिए कि अच्छे से पढ़ाई करो, आप पे दबाव हम नहीं देंगे, आपको बचाने की भी कोशिश नहीं करेंगे, ये भी याद रख लेना, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मेरे स्कूल का बच्चा है तो मैं अतिरिक्त मार्क दे दूँ, छोड़ दूँ, जाने दूँ, ऐसा नहीं। जिसने जितनी मेहनत की है वो उसका हकदार है, कम मेहनत की है कोई भी कारण वजह से, बीमार हो गया, घर में कोई गुजर गया, कोई भी कारण हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने मेहनत की है, आपने काम किया है, आपको नंबर मिलेंगे, बराबर। आपने मेहनत नहीं की है, आपने क्लास अटेंड नहीं की, आपने ढंग से वर्क नहीं किया है, हमको क्लियर कट पता है, हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्लास अटेंड करो। मैंने ये भी बोला था कि जो लोगों के नंबर रेड कलर में मैंने लास्ट टाइम दिए थे वो मुझे कॉल करें, पर किसी ने भी मुझे कॉल करने की जहमत नहीं उठाई, और मैंने आपको आगे आपको बताया हुआ है, हर चीज मेरे दिमाग में याद रहती है, हर चीज मुझे क्लिक रहती है, और उसका प्रयोग किस प्रकार करना है वो भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो आपके लिए यही अच्छा है, आपकी सेहत के लिए भी यही अच्छा है, मार्क्स की सेहत के लिए यही अच्छा है कि आप अच्छे से क्लास अटेंड करें, वो आपके भले के लिए है। ठीक है, और कारण यही था कि कई लोग दो दो सेकेंड के लिए, एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के लिए क्लास अटेंड करके चले जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारी अटेंडेंस लग गई, तो वो उनकी गलती है। और जो लोग गेस्ट आईडी से जुड़े हुए हैं, कल्पना बघेल और कोमल परिहार, वो अपनी आईडी ले ले कृपया। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको आपकी आईडी भेज दूंगा। नहीं आता है तो कभी समय निकाल के 12:30 बजे तक सारे टीचर्स स्कूल में होते हैं, लॉग इन करवा लेना, सीख लेना। गेस्ट आईडी से मैं अगली बार एडमिट नहीं दूंगा। ठीक है कोमल, समझ में आया बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. कल्पना, समझ में आया बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। कारण समझा देता हूँ, आपने क्लास भरी हुई है, गेस्ट आईडी आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी।
गेस्ट आईडी से आप अटेंड करते हो क्लास, वो वैलिड नहीं मानी जाती, ठीक है। तो जिन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश की है, और भी दो चार लोग आशा करता हूँ कि भेजे मुझे, होमवर्क करने का मैंने जो बताया हुआ है उसे सीरियसली ले तो काम आपके लिए अच्छा होगा, बराबर। और फिर मैं सबका पढ़ के बताऊंगा सबसे बढ़िया किसका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप आगे कुछ होमवर्क भी दिया था, एक सवाल आपको ढूंढने के लिए, वो किसी ने याद किया कि नहीं किया, ढूंढने की कोशिश की? सर वो आपने बता दिया था सर लेक्चर में। क्या बता दिया था सर? क्वार्क के आपने अन्य प्रकार ढूंढने को बोले थे, फिर आपने बताया था चार नाम बताए थे, पर उनके भी चार होते हैं, ठीक है, आठ होते हैं, पर क्वार्क के अन्य प्रकार मैंने नहीं बताए थे। वो सर आपने बताया था, वो क्या था? वो मैंने अन्य उसी फैमिली के अन्य सदस्य के नाम बताए थे मैंने, पर क्वार्क के अन्य प्रकार नहीं बताए थे सर। मैं बताऊं? हाँ बताओ, चलो। क्वार्क के कुल छह प्रकार है। अच्छा। अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। चार्म और बॉटम है, बॉटम, टॉप और बॉटम, बॉटम। हाँ, एक दो तीन चार पांच ही हुए ना, छठा टॉप रह गया भाई। रिपीट करता हूँ, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। अच्छा टॉप, हाँ। चलिए ये छह प्रकार हो गए, पर इनको अलग कैसे करेंगे? सभी के आवेश या तो प्लस टू ई बाई थ्री होंगे या तो माइनस ई बाई थ्री होंगे, चाहे आप बॉटम बोल दो, टॉप बोल दो, चार्म बोल दो, स्ट्रेंज बोल दो, अप डाउन बोल दो, कलर क्वार्क बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। पर इनके आवेश या तो माइनस ई बाई थ्री होंगे या टू ई बाई थ्री होंगे, दोनों में से एक ही हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्या है? सर टॉप और बॉटम का कर देंगे सर एक जैसा है। टॉप और बॉटम जो होती है लेयर, हाँ, उन दोनों का सर सेम हो जाएगा, जैसे अप और डाउन। जैसे मैं क्या कहता हूँ कि अप है बराबर, उसका प्लस टू ई बाई थ्री है, वैसे ही टॉप का भी टू ई बाई थ्री है बराबर, दोनों का सेम है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये अप क्वार्क है कि टॉप क्वार्क है? कहने का अर्थ ये है, कुछ तो दोनों में अलग होना चाहिए ना, कि जिसके कारण हम पता कर सके कि ये अप क्वार्क है और ये टॉप क्वार्क है। मान लो कि कोई माइनस ई बाई थ्री वाला है, जैसे डाउन क्वार्क है माइनस ई बाई थ्री, वैसे बॉटम है, तो पता कैसे चले कि ये डाउन क्वार्क है या ये बॉटम क्वार्क है? ऐसा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, ये याद किया था। किसी को आइडिया आ रहा है कि इनको अलग कैसे किया जाए? चलो जिसने भी ये ढूंढने की कोशिश की है वो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट, आपका काम अच्छा है, आपने छह नामों को नेट पे ढूंढा अच्छे से, ओके, आपका काम। और मैं दूसरा सवाल आसान कर देता हूँ, क्या ढूंढने की कोशिश करनी है? बोलिए सर, कल बताना अगले लेक्चर में हम लोग ढूंढते हैं। हाँ सर, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल छह क्वार्क्स हैं जिनमें अप डाउन, स्ट्रेंज,
चार्म टॉप और छठा बॉटम। ठीक है, आपके लिए अब क्या ढूंढना है, सबको अलग कैसे किया जाए। इनमें क्या भिन्नता है ये आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आपकी क्लास अभी अगली होगी है 8:30 बजे। कितने बजे हैं? 8:30 सर। लिंक आ गया। चलिए कोई बात नहीं, दो बार से आगे चल जाना। हाँ बेटा सर, इलेक्ट्रॉन किसके बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया था आपने? बिल्कुल, ब्रियोन फैमिली से बने हुए होते हैं सर। लिखो तो। और किसी को कोई डाउट है तो मुझे लिखो दो तो सर वो नाम। किसी को कोई डाउट है आगे सर, वो इलेक्ट्रॉन किसके बने होते हैं उसका नाम लिखो ना। चलिए इसी को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। मैंने आपको जैसे बताया इलेक्ट्रॉन ब्रियोन फैमिली से बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं वो अतिरिक्त चर्चा है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन की बनावट लिख देता हूँ जिससे हमें याद रखें। हाँ, अरे जो फालतू यस नो करते हैं। रेडी हुआ तो रहो, नेक्स्ट हुआ तो। हाँ आवाज हमें बोलो, पार्टिसिपेंट इनवाइट। हाँ नेचर जाओ, कॉपी लिंक अब जो व्हाट्सएप में पेस्ट कर दो ग्रुप में देंगे। हाँ चलिए, तो यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं बच्चों। अगले लेक्चर में आप जा सकते हो अब। ठीक है, नाम क्या था सर? ब्रियोन। ब्रियोन्स। ब्रियोन्स। एवरीथिंग राइट ऑटोमेटिक।